तो मतलब अगर आप एक बार ऐसे कर लेते हो तो ये चला जाएगा। ऑल राइट गाइस, देखो यार मैंने मीशो से तुम्हें भर के गाजर दिखाया है और तुम लोग को काफी ज्यादा मीशो वाले वीडियो देखने में मजा आता है और हमें बनाने में, क्योंकि आप लोग जबरदस्त उस वीडियो में प्यार दिखाते हो। लेकिन भाई एक लौता मीशो ऐसा वेबसाइट नहीं है जहां से तुम सस्ता गैजेट बाय कर सकते हो, एक और वेबसाइट है जहां से तुम सस्ते सस्ते गैजेट बाय कर सकते हो, वो भी ऑथेंटिक वेबसाइट से। बता दूं, चलो लाइक और सब्सक्राइब कर लेना। अब देखो मीशो से गैजेट ऑर्डर करना है तो ऐप के थ्रू आप कर सकते हो, वेबसाइट के थ्रू नहीं कर सकते। बट यार इस वेबसाइट से तुम वेबसाइट प्लस ऐप दोनों से शॉपिंग कर सकते हो। अब देखो यहाँ पे ना कैटेगरी की कोई कमी नहीं है, फैशन से लेकर गैजेट, मेकअप, होम डेकोर, फर्नीचर वगैरह सारा मिलता है यहाँ पे। और यहाँ पे तुम्हें अफोर्डेबल प्राइस, गुड क्वालिटी और फ्री डिलीवरी का ऑप्शन भी मिल जाता है। तो देखो ये जो वेबसाइट है ये है भाई अपना शॉपसी। अब देखो फ्लिपकार्ट ने ये सोचा भाई कि हम पीछे जा रहे हैं यार, सस्ते सस्ते गैजेट मिल रहे हैं मीशो के ऊपर, हम भी कुछ क्यों नहीं कर रहे हैं, शॉपसी लॉन्च कर दिया और शॉपसी पे भाई मिल रहे हैं। तो चलो मैं आ जाता हूँ यहाँ पे गैजेट वाले सेक्शन में। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एक्सेसरीज वाले ऑप्शन में आपको आ जाना है। यहाँ पे देखो ऑडियो, इलेक्ट्रॉनिक्स, लैपटॉप, मोबाइल एक्सेसरीज, सारे तरह के गैजेट आपको मिल जाएंगे। और देखो प्राइस भी यहाँ पे आपको अच्छा खासा मिलेगा प्रोडक्ट वाइज। जैसे यहाँ पे एक ईयरफोन 85 रुपीज का है, TWS 378, नेक बैंड 273, TWS 364 का है, 291 का यहाँ पे ईयरबड्स मिल रहे हैं, यानी कि काफी सस्ते सस्ते गैजेट अवेलेबल है भाई यहाँ। इसके बाद मोबाइल एक्सेसरीज देखे तो देखो चार्जर 297 का 25 वाट का मिल रहा है, मोबाइल स्टैंड 319 का, पावर बैंक 32,000 mAh का 368, ओके। इसके बाद 88 का भी गैजेट मिल रहा है, यानी कि सस्ता गैजेट यहाँ पे अवेलेबल है। अब देखो फ्लिपकार्ट के ऊपर तुम्हें 100 से नीचे के गैजेट नहीं मिलेंगे, लेकिन इस वेबसाइट पे तुम्हें 100 के नीचे भी अच्छे खासे गैजेट देखने को मिल जाएंगे। अब यहाँ पे मैं गैजेट निकालने गया तो भाई वीडियो पता चला 2-3 घंटे का बन गया, इससे अच्छा कि 10 घंटे के काम को 10 सेकंड में करते हैं। तो गाइस ये रहे गैजेट के लिस्ट, अब चलो इसे ऑर्डर कर देते हैं, डन। अब मुझे पता था कि स्टूडियो का हाल ऐसा होने वाला है, तो मैंने अगारो का ये अपराइट वेट एंड ड्राइव कारपेट क्लीनर ऑर्डर कर लिया था। तो देखो इसके बॉक्स के अंदर तुम्हें एक मेन यूनिट यानी वैक्यूम क्लीनर, अप होल्स्ट्री नोजल, होस पाइप, एक हैंडल एंड एक सॉल्यूशन के लिए आपको जार मिल जाता है। इसमें 2.6 लीटर का वाटर टैंक एंड 1.3 लीटर का डर्ट कलेक्शन टैंक है। 7 मीटर लॉन्ग पावर कोर्ड के साथ 800 वाट का मोटर का यूज किया गया है। अब इसमें 13.5 केपीए का सक्शन पावर है, साथ में ड्यूअल रोलिंग ब्रश है जिससे कारपेट अच्छे तरीके से क्लीन हो जाएगा हमारा। और इसे आप 180 डिग्री रोटेट कर सकते हो, तो कहीं पे भी किसी कोने में आराम से ले जाकर साफ कर पाओगे। अब वेट कारपेट को साफ करना है तो इसे जस्ट पुल करना है आपको, एंड यहाँ पे लगाना है आपको ये वाला होस पाइप। और डर्ट वाटर जैसे ही मैक्सिमम लेवल पे जाता है तो मशीन ऑटोमेटिकली बंद हो जाता है। और इसे कैरी करना है बहुत ही आसान है क्योंकि इसमें बड़े बड़े चक्के लगे हुए हैं, तो इसे आप एक जगह से दूसरी जगह बड़े आराम से ले जा सकते हो। अब देखो कारपेट पे जो गिरा हुआ पानी है या कारपेट को साफ करना है वो तो कर ही सकते हो, साथ में बेड वगैरह को भी आप साफ कर सकते हो अगर बेड में इस तरह का फैब्रिक यूज किया हुआ है तो। एंड इस वाले टैंक में आप कोई भी सॉल्यूशन वगैरह रख सकते हो। इस बटन को प्रेस करने से वाटर स्प्रे होता है इतना। टैंक फुल होने के बाद आपको इस टैंक को एम्प्टी करना होता है। तो फाइनली गाइस जैसा आपने देखा हमने कारपेट को बढ़िया साफ कर लिया है, चाहे वो ड्राई हो या वेट हो, साथ में बेड को भी इस वैक्यूम क्लीनर से हमने अच्छे तरीके से साफ किया है। तो इसे आप बाय कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा वहां से। तो गाइस गैजेट सारे के सारे हमारे पास आ गए। अब यूजुअली जो टाइम लगता है फ्लिपकार्ट से सेम वही टाइम लगा है यहाँ पे गैजेट आने में, ये डिपेंड करता है कि आप कहाँ पे रहते हो। ऐसे यहाँ पे हम टेस्टिंग करने वाले पैकिंग से लेकर भाई आफ्टर सेल सर्विस तक सारा चीज बढ़िया से। भाई ये काफ़ी हल्का लग रहा है, ये फ्लिपकार्ट के ऊपर यहाँ पे देख सकते हो प्लास्टिक का रैपर भी चढ़ा हुआ है, अच्छी बात है। ये क्या है? ये तो टट्टी है। फ्लैश लाइट ईयर पिक, भाई मुझे तो लगा ये थर्मामीटर है, इससे तुम ईयर वैक्स वगैरह निकाल सकते हो। यार क्वालिटी तो काफी चीप लग रहा है, बट हाँ प्रोडक्ट काम का तो लग रहा है। ऐसे करना है यार, मेरा कान तो लग रहा है साफ है पूरा, निकल तो रहे हैं। अब देखो ईयर वैक्स आप नॉर्मली भी निकाल सकते हो, अब इसमें लाइट लगे हुए हैं तो एक्स्ट्रा लाइट की जरूरत नहीं है, इसी का लाइट ऑन करो, कान में से निकालो गंदगी। देखो यार सभी फ्लिपकार्ट का सारा चीज लिखा हुआ है जो कि काफी अच्छी बात है। एंड भाई ये है नेक कूलिंग रिंग, तो इसे ज़्यादा कुछ नहीं, इसे रख देना है आपको कुछ देर के लिए फ्रिज में, ये जैसे ही ठंडा हो जाएगा फिर आप इसे अपने गर्दन पे कुछ इस तरह से लटका लो। अब देखो कुछ दिन पहले मैं तुम्हें दिखाया था ये आँख पे लगाने वाला मास्क जिससे आँख आपका ठंडा रहता है। ओ हो,
अब भाई ये भी आ गया जिसे मैं गर्दन में लटका के कुछ इस तरह से चल सकता हूँ एंड ठंडा ठंडा एकदम मनाली वाला फीलिंग ले सकता हूँ भाई। लिटरली इसे लगाने के बाद तो अच्छा फील होता है, लेकिन इसे लगाने के बाद फील आए ना आए क्या आएगा मुझे भी नहीं पता भाई। कहाँ कहाँ से गैजेट आ रहे हैं, कुछ आए ना आए एक गैजेट तो डेफिनेटली रखना चाहिए ताकि मस्त गाना का आनंद लिया जाए। भाई देखो सबसे पहले जो इसका कंडीशन है ये काफ़ी गंदा मुझे लग रहा है, सभी जगह स्क्रैच वगैरह लगे हुए हैं एंड मुझे ऐसा लग रहा है ये रिटर्न होकर आया हुआ सामान है, मतलब न्यू तो बिल्कुल नहीं है। बाकी यहाँ पे पक्का था इसका, तो मतलब अगर आप एक बार ऐसे कर लेते हो तो ये चला जाएगा। नहीं चलो गाना बजाते क्या पता बज जाए भाई, भोजपुरी सॉन्ग में अगर ये नहीं बजा तो फिर किसी सॉन्ग में ये नहीं बजेगा। भाई खोदा पहाड़ निकली चुहिया भाई से ज्यादा तो इसका साउंड आ जाएगा। अब ऐसा मत सोचना कि मैं इसे कैच किया तो यहाँ पे टूट गया, बिल्कुल नहीं। अब इतना कमजोर बनाया है क्यों, ये तो गलती से भी हो सकता है। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं स्पीकर वगैरह दो दो यहाँ पे लगा रखे हैं, लेकिन बज कितना रहा है मुझे नहीं पता। सामने तरफ ऐसे लाइट काफ़ी अच्छा जल रहा है, अगर ये अच्छा बजता तो डेफिनेटली काफ़ी अच्छा होता। बाकी यहाँ बटन वगैरह तुम्हें मिल जाते हैं, मोड वगैरह चेंज कर सकते हो, प्ले पॉज वॉल्यूम रेंज डाउन ये सारा कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे सभी तरह के पोर्ट्स भी मिल जाते हैं, लेकिन भाई बजता ही नहीं तो फिर इसका क्या ही काम। इसे रिटर्न में डालूंगा। हो तो ये 10,000 mAh का पावर बैंक है एंड भाई इसका क्वालिटी लिटरली काफी बढ़िया लग रहा है एंड कॉम्पैक्ट भी है, इसे मस्त पॉकेट में भी रख के निकल सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे देखोगे तो दो पोर्ट है, एक टाइप सी एक यूएसबी पोर्ट एंड यहाँ पे एक पावर ऑन ऑफ का बटन और 22.5 watt इससे आउटपुट ले सकते हैं, यानी इससे मोस्ट ऑफ डिवाइस तुम फास्ट चार्ज कर सकते हो। बैटरी इंडिकेटर यहाँ मिल जाते हैं जिससे तुम बैटरी वगैरह देख सकते हो कितना चार्ज है, तो डेफिनेटली इसका क्वालिटी भी काफी अच्छा है एंड काम भी अच्छे तरीकों से कर रहा है, बेस्ट अभी जाकर एक अच्छा निकला। वो भाई पैकिंग तो देखो कितना शानदार कर रखा है, बढ़िया बॉक्स है इसका तो। भाई आयरन मैन के हाथ के पीछे जादू छुपा हुआ है जिससे तुम कुछ भी जला सकते हो और इसके अंदर एक माइक्रो यूएसबी केबल भी है। तो भाई सबसे पहले मैं अपने हाथ का वजन करता हूँ, 10 किलो से भी ऊपर है, डिटेक्ट नहीं किया। अब भाई आयरन मैन के हाथ का वजन करते हैं, ओनली 66 ग्राम। पूजा पाठ करना चाहिए यार। तो देखो भाई बेसिकली करना ये है कि आयरन मैन के पैसे निकलता है कुछ इस प्रकार का यंत्र जिससे तुम, ओ भाई ऐसा तो आयरन मैन के भी पास नहीं था। तो भाई देखो मस्त अगरबत्ती अपना जल गया, तो यार बारिश हो रही है या हवा चल रही है कोई टेंशन नहीं है, मस्त आयरन मैन का हाथ को ऐसे करो एंड अगरबत्ती वगैरह जला सकते हैं। भाई क्वालिटी तो इसका काफ़ी अच्छा है। तो देखो ये एक कीबोर्ड सपोर्टर है, जब भी आप कीबोर्ड पे काम वगैरह करते हो तो आपके हाथ को एक अच्छा सपोर्ट देता है और काफ़ी अच्छा यहाँ पे कुशन का यूज किया हुआ है, तो भाई सॉफ्ट भी फील होता है अगर आपको बिलीव नहीं हो रहा। अब देखो यार सारे गैजेट मैंने आपको दिखा दिए, जैसा प्राइस वैसा गैजेट तो मुझे देखने को मिला है। बाकी यहाँ पे एक प्रोडक्ट डिफेक्टिव है, तो चलो इसे रिटर्न करके देखते हैं और आफ्टर सेल सर्विस कैसा है सॉफ्टसी का ये भी आइडिया लग जाएगा। तो देखो यहाँ पे जो स्पीकर है इसे ही हम रिटर्न में लगाने वाले हैं, तो ये मैं गया रिटर्न पे। तो देखो यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है रिटर्न का डायरेक्ट, तो रिटर्न पे मैंने क्लिक किया। रिटर्न का रीजन देना है, द प्रोडक्ट रिसीव इज डिफेक्टिव ब्रोकन रॉन्ग आइटम, तो डिफेक्टिव एंड स्पीकर साउंड क्वालिटी इज लो, जो भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं उसे टिक कर दो, Not working and continue। अब यहाँ पे मेरे से टेक्नीशियन बात करने वाले हैं। ओके अब देखो यहाँ मैंने कॉल का रिक्वेस्ट किया तो यहाँ पे आ रहा है कि एजेंट अवेलेबल नहीं है, तो 30 मिनट के बाद आप फिर से ट्राई करो, तो 30 मिनट के बाद फिर से कॉल करना होगा। आफ्टर 30 मिनट्स वीडियो डन भी हो चुका है, लेकिन अभी तक यहाँ पे सेम यही ऑप्शन आ रहा है कि अभी एजेंट अवेलेबल नहीं है। तो फाइनली गाइस मुद्दे की बात करें तो देखो सस्ता प्रोडक्ट आपको मीशो भी मिल जाते हैं और वहाँ पे रिटर्न भी अच्छे तरीकों से हो जाता है अगर आप सेकेंड वाला ऑप्शन चूज करते हो, जहाँ पे थोड़ा सा प्राइस ज़्यादा होता है बट ईजी रिटर्न आपको मिल जाते हैं, तो इजी वैसे आप रिटर्न वगैरह भी कर सकते हो, अगर प्रोडक्ट अच्छा है तो आप रख भी सकते हो। लेकिन यहाँ पे सॉफ्टसी में क्या है कि अगर प्रोडक्ट का क्वालिटी खराब है आप उसे रिटर्न करना चाह रहे हो तो आफ्टर सेल सर्विस फ्लिपकार्ट जैसा नहीं है, सॉफ्टसी का सॉफ्टसी जैसा है, मतलब थोड़ा लेंदी है। बाकी आप मुझे बताओ क्या आप यहाँ से गैजेट वगैरह कभी बाय कियो या नहीं कियो कमेंट में बताना। अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मैं आपसे मिलता हूँ फिर से एक मस्त धमाकेदार वीडियो, तो गुड बाय, हैव अ गुड डे एंड बाय।